सभी जीवों का घर में आना है अपशगुन, देते हैं ये विपत्ति का संकेत। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीचर। हम जब भी किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो उस कार्य को पूर्ण करते हुए उसमें सफलता प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। लक्ष्य की ओर कदम बढ़ते ही यदि हमें अपशगुन दिख जाए तो मन में संशय आ जाता है, और वहीं इसके विपरीत अगर शुभ शकुन हो जाए तो मन प्रसन्नता के साथ इस कार्य की ओर बढ़ने लगता है। रोजमर्रा के जीवन में होने वाली ऐसी बहुत सी घटनाएं जो शगुन और अपशगुन से जुड़ी हैं। अपशगुन होने के बाद भी उनसे बचने के लिए कुछ उपाय हैं। देखिए, ज्योतिष में शगुन का विशेष महत्व माना गया है। एक योगी ज्योतिष सवाल पूछने वाले के हाव भाव और आस पास के संकेतों को देख कर ही उसका सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शगुन और अपशगुन की किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। देखिए, बात करेंगे बिल्लियों के लड़ने। जी हाँ, घर में बिल्लियों के लड़ने को अपशगुन माना जाता है। ये परिवार में होने वाले झगड़ों की ओर इशारा कर रहा है। वहीं यदि आपको उल्लू कहीं से आवाज करता हुआ दिखे तो ऐसा क्या है, लेकिन यदि घर की छत पर उल्लू आकर बैठे और आवाज करने लगे तो ये घर में अचानक विपत्ति आने के योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ जमीन की खुदाई के दौरान यदि कोई मरा हुआ जीव जंतु जैसे कि सांप, केंचुआ, कुछ भी आपको दिख जाए तो ये आने वाले समय को बुरे और दर्शाता है, यानी कि आने वाला समय थोड़ा कठिन हो सकता है। वहीं यदि घर में बार बार दूध जमीन पर गिरता हो तो यह घर में कलेश और विवाद की स्थिति को उत्पन्न करता है, इसीलिए इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे चमगादड़ों के घर में आने की। जी हाँ, घर में चमगादड़ों का आना या रहना भविष्य में होने वाली दुर्घटना का संकेत होता है। घर में चमगादड़ों का आना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वहीं यदि घर में अचानक चूहों की संख्या बढ़ जाए, चूहे अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएं, तो निकट भविष्य में आने वाली विपत्तियों का आना तय होता है। ऐसा कंप को काटने के लिए आप गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इसी के साथ घर में किसी देवता की मूर्ति टूट गई है तो इसका क्या अर्थ है, देखिए घर में किसी देवता की मूर्ति अथवा चित्र टूट जाए, नकारात्मकता और बीमारी को लेकर ये आता है। तुरंत ही खंडित मूर्ति या फिर चित्र को आपको गंगा नदी में या आसपास किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और शुभ दिन में उसे नया खरीद लेना चाहिए। बात करेंगे कुत्तों के रोने। देखिए, यदि कोई कुत्ता घर के गेट के सामने मुंह करके रोए तो यह घर में किसी होने वाली समस्या की ओर कुल से अशुभ संचार कर रहा होता है, यानी कि आपको अशुभ समाचार मिलने वाले हैं। वहीं यदि घर में कोई चोट खाया या घायल पक्षी आ जाए तो यह महासंकट का संकेत आपके जीवन में हो सकता है। अब बात करेंगे घर में दीमक या फिर मधुमक्खी का छत्ता। देखिए, घर में दीमक की बामी या मधुमक्खी का छत्ता होने से घर के मुखिया के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है और उसको कोई दिक्कत और हानि भी झेलनी पड़ सकती है। वहीं कार्य पर जाते समय यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपके कार्य असफल होने की आशंका रहती है। इसे दूर करने के लिए 2-3 सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए यदि वक्त है तो घर वापस जाकर थोड़ा विश्राम करके फिर आगे दोबारा चलिए। वहीं घर में लाल चींटियों का आना किसी बड़े आर्थिक नुकसान की ओर इशारा कर रहा होता है। अब बात करेंगे पांव से जूता गिर जाने। देखिए, यदि यात्रा पर जाते समय पांव से जूता निकलकर गिर जाए तो ये एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ, ऐसे में जरूरी ना हो तो यात्रा को टाल देना सही रहता है। यदि आपके साथ भी ऐसे शगुन और अपशगुन हैं और आपने इन चीजों का अनुभव किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पीचर।